जो आपने जवाब में लिखी है बढ़िया, आपने लिखा है जो भी है बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने लिखा अरे लीला दिखलाने आए हैं, अरे माया फैलाने आए हैं, वो डमरू धर, वो डमरू धर ही अपना डमरू बजाने आए। यहाँ उल्टा हो नहीं सकता, कतई नहीं, यहाँ उल्टा हो नहीं सकता। और क्या, वो डमरू धर है, डमरू बजाते हैं, डमरू बजाने आए हैं। और क्या, उल्टा तो यहाँ हो नहीं सकता कि भोलेनाथ डमरू को बजाते हैं और डमरू भोलेनाथ को बजाते हैं। और सोचो हमारे को उल्टा हो रहा है कि भाई गंगा उनके सर पर है, वो उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और सोचो अब यहाँ उल्टा तो हो ही सकता, भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, दूसरी ढोलक गाड़ी में है ही नहीं। चलिए ठीक है दादा, कुछ नहीं कहना। वो मुरलीधर मुरली बजाने आए हैं, मुरलीधर है मुरली बजाने आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उल्टा होता वो मुरलीधर है और मुरली उनको बजा रही होती तब तो बात थी। ये बात कि चलिए आप बड़ी बहन है, जो भी आप लाइन में हंस के सरोधार कर रही हो, लेकिन एक पंक्ति हालांकि गद्य में आपने सही बोला, जो आप उसे बोल रही थी उसमें आपने सही बोला, लेकिन दादा पांडे जी और हमारे दादाजी उपस्थित जन समुदाय पंक्ति जरा सुनिए क्या कह रही है। क्या बोले, गद्य आपका सही बोल रहा है लेकिन पंक्ति गड़बड़ कर रही है। कैसे आपकी पंक्ति कह रही है, अरे पूछ में स्वयं भवानी बन, पूछ में स्वयं भवानी आई बन करके हनुमान। और सोचो भवानी आई बन करके हनुमान। चलिए ठीक है, वो पूछ बनकर आई, हनुमान बनकर तो भोलेनाथ आए। सोचो, चलिए ठीक है, जो भी आपने दिया है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए सीधा चलिए आपके जवाब की तरफ, बढ़िया सा गीत, बढ़िया सा सवाल आपने मेरे लिए दिया है, उसका प्रयास मैं अपनी ओर से कर रही हूँ, शायद कोई बात आ जाए। और धुन भी बड़ी विलक्षण सी आपने गाई है, और बस अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, शायद बन पड़े, शायद बात आ जाए। बढ़िया धुन आपने गाई है, और जितना बन पड़ता है हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो बेटे लगे रहो, भागने वाले ने क्या दर दे दे, दर दे दे कर अपने पतियों से जो श्राप जिन्हें मिल रहा है कि तुम पत्थर हो जाओ, वही पत्थर हो रही है, अपने पतियों से कह रही है कि पत्थर दिल पत्थर जिगर पत्थर बनाया आपने, पत्थर बनाया आपने,
गीत आपका पत्नियों से चल रहा है, लेकिन आपको भय हुआ, आपको डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप वहां से आ जाए कि ब्रह्मा ने श्राप दिया विष्णु को कि विष्णु जी श्राप पत्थर बन जाओ। हम लोग हैदरी की तैयारी कर रहे हैं। गीत को इतना मजबूत लिखिए कि ये कहना न पड़े कि वहां उसको श्राप मिला, हालांकि उस श्राप से आपके गीत का कोई मतलब नहीं था। और क्या? लेकिन आपने बंद कर दिया कि जवाब यहाँ से ना लिख पाए, यहाँ से ना आ पाए। आइए, भले आपने बंद कर दिया, लेकिन एक रास्ता आपने बंद कर दिया है, और भी कई रास्ते हमारे लिए खुले हैं। खोल देंगे, कई रास्ते हम लोग के लिए है, लेकिन बस लोग निकलना जाने की कैसे निकलना है, किस रास्ते से किस गाड़ी से जाना है। जरूरी थोड़ी है कि रास्ता छोटी है फोर व्हीलर लेके जाओ, अगर रास्ता छोटी है तो बाइक से निकल जाओ। हम लोग सारथी लेके चलते हैं। आइए, प्रयास आपके गीत का कर रही हूँ, और विश्वास आप रखिए गीत आपका बाकी भारी है, लेकिन अपनी ओर से ऐसा प्रयास कर रही हूँ कि आपसे गीत ये बिल्कुल मिलता जुलता होगा। उनका मेरे जवाब में उनका शरीर भी पत्थर बन रहा है, शरीर तो पत्थर बन रहा है, लेकिन क्या पत्थर नहीं बन रहा है, क्या पत्थर नहीं है। आदरणीय दीदी जी, आपके गीत में पत्नियों को श्राप मिल रहा है, लेकिन इधर आपके गीत में पति पत्नियों को श्राप दे रहे हैं कि पत्थर बन जाओ, लेकिन इधर के पिता थे, दोनों ने 20 18 20 15 20 हो सकती है, लेकिन जवाब आपके गीत को छूकर निकलेगा। क्या बात है, तभी तो जवाब ही है। आप मुझे पक्षियों की भाषा में बात करके सुनाइए, लेकिन जिसने सिखाया था उसने ये कह दिया था जब भी तुम पक्षी की वाणी बोलोगे तो पत्थर हो जाओगे। क्या बात है, जब भी पक्षी की वाणी बोलोगे पत्थर हो जाओगे, और जब ठान ठान ली दानी में कि नहीं मैं तो सुनोगी, राजा ने बता भी दिया कि अगर मैं पक्षियों की भाषा तुम्हें सुनाऊंगा तो मैं पत्थर हो जाऊंगा, लेकिन रानी नहीं मानी, रानी नहीं मानी, नहीं मैं तो खग की भाषा सुनोगी, पक्षियों की भाषा सुनोगी, और जब ठान ठान ली तो हुआ क्या? क्या बेटा, आराम से बेटा, आराम से बोलो। जब कैद की पत्नी ने ठान ठानी हुआ क्या? पत्नी होकर कोई धर्म नहीं निभाया आप।
पत्थर हो गए तो कहने लगे रानी ना पत्थर दिल मेरा पत्थर दिल नहीं था मैं तुझे बहुत चाहता था लेकिन पत्थर दिल ना पत्थर दिल ना पत्थर जिगर ना मेरा पत्थर दिल है ना मेरा पत्थर जिगर है लेकिन ना पत्थर दे ना पत्थर जिगर लेकिन पत्थर बनाया आपने ऐसी जिंदगी में आपने की और क्या ना पत्थर दे ना पत्थर जिगर पत्थर बनाया ना पत्थर दिल ना पत्थर जिगर फिर भी पत्थर बनाया आपने आइए एक बात और देखें एक बात और अपनी ओर से आ रही हूँ कहीं से बात आ जाए पत्थर बनाया आपने उधर उधर आप पति दे रहे हैं और इधर पत्नियों के द्वारा पति पत्थर बनाए जा रहे हैं जो चाहते थे उस नारी का नाम था मदालसा मदालसा ने कि नहीं पूरी उन्होंने उसकी जब ये लालसा उसकी जब लालसा पूरी नहीं हुई तो मदालसा ने कहने लगा ना पत्थर दिल मेरा दिल पत्थर नहीं है ना पत्थर दिल ना पत्थर जिगर पत्थर बनाया इन जवाब की पंक्तियों पर कुछ आशीर्वाद है ये एक से एक बतराए आदरणीय बड़े भैया हमारे श्री अनिल अज्ञान जी नवाबगंज आपकी ओर से आशीर्वाद है हृदय से आपको नमन धन्यवाद है 51 बतराए आदरणीय हमारे कपिल गुप्ता जी आपकी ओर से है हृदय से आपको प्रणाम है बहुत बहुत धन्यवाद है 21 बतुराए आदरणीय मंजू साहू जी जिंदा नगर आपकी ओर से है 51 बतुराए माँ गंगा सेवा समिति के सदस्य आदरणीय सम्मान्य हमारे भैया रमा शंकर शुक्ला जी उपाध्यक्ष राम प्रसाद शुक्ला जी आप दोनों की ओर से बहुमूल्य 51 बतुराए
हृदय से नमन धन्यवाद है। और ये 51 पर्वताओं का स्नेह से भरा आशीर्वाद माँ गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय दादा हमारे सम्मान्य श्रीमान श्रीकांत पांडे जी आपकी ओर से बहुत आशीर्वाद है। हृदय से नमन धन्यवाद है। और गंगा सेवा समिति के सदस्य हमारे भैया राकेश शुक्ला जी, भैया विनोद वाजपेयी जी आपकी ओर से 51 पर्वताओं का आशीर्वाद है। हृदय से नमन बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बहमोल 21 पत्रकाराओं का आशीर्वाद आपने लिखा कोकला कंठ से भजनों का क्या सटीक विवेचन करती हो पूनम बेटी, धन्य है तुम्हें भक्तों के मन को हरती हो। हृदय से आदरणीय दादाजी को प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। आदरणीय सम्मान्य आचार्य पंडित संतोष कुमार शुक्ला जी मां गंगा सेवा समिति हृदय से पुजारियों को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पत्रकाराओं का आशीर्वाद श्री गणेश विभक्त सेवा समिति दुर्गा मंदिर के सामने आदरणीय दादा हमारे श्री बसंत मिश्रा जी जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं, भैया हमारे प्रेमचंद कश्यप जी महासचिव है, आदरणीय भैया राजन मिश्रा जी कार्मिक प्रभारी है, शिवपुत्र तिवारी जी प्रबंधक है, पप्पू तिवारी जी संरक्षक है, भैया प्रमोद मिश्रा जी उपाध्यक्ष है, भैया दीपू मिश्रा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी आपकी ओर से ये बहुत सूचना है, आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 21 बताए सस्ता प्रोविजन स्टोर आदरणीय हमारे लाल भैया की ओर से 21 मुद्राएं हैं। हृदय से प्रणाम है, धन्यवाद है। 51 मुद्राएं आदरणीय सम्मान्य श्री अशोक सिंह दोस्ती नगर उन्नाव संवाददाता आज प्रेस आपकी ओर से है। हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 मुद्राएं श्री माँ गंगा सेवा समिति झंडा चौराहा कौनी रोड महामंत्री हैं आप आदरणीय भैया हमारे लाला तिवारी जी इस समिति के महामंत्री हैं। आपने बार बार पत्थर शब्द पर यह आशीर्वाद दिया है, हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सही शक्ति जवाब पालन और ये भाई हमारे चंदन प्रजापति जी नवाबगंज कानपुर आपकी ओर से बहमोल 21 मुद्राएं हैं। 21 मुद्राएं भैया दीपो मोबाइल रिपेयरिंग ब्राह्मण नगर शुक्लागंज आपकी ओर से है। हृदय से नमन धन्यवाद है। और 21 मुद्राओं का आशीर्वाद सुंदर सुगील अपनी ओर से प्रयास करूंगी गीत ऐसे हो कि बगल वाले के लिए ना गाए जाए। कौन सा नाम आ रही है? सही है, काम कलाकार को हमेशा कार्यक्रम बनाने के लिए करना चाहिए। ये हम लोग लड़ते रहेंगे कुछ नहीं बनेगा। आइए एक साधारण सा गीत आप सबकी सेवा में पढ़ रही हूँ। ना तो धुन आपसे वंचित है और ना कोई कथानक आपसे वंचित है। आइए गीत को सुने Bye.
से और बहुमूल्य स्नेह से भरा आशीर्वाद, जिनका स्नेह जिनका आशीर्वाद सदैव बच्चों के साथ रहता है। आदरणीय दादा हमारे श्रीकांत पांडे जी जो इस समिति के अध्यक्ष है, आपके उसे बहुमूल आशीर्वाद भी हुआ है। अध्यक्ष आपको तमाम में धन्यवाद है। गीत को सभी लोग सुनेंगे। वैकुंठ में बैठी है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, क्या बात है। दोनों में आपस में बातें होने लगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि प्रिय मेरा समय आ गया है, अब मुझे राम रूप में धरा पर जाना होगा। मैं राम रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु जब जब आप राम रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे तो मैं इधर बैकुंठ में क्या करूंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा प्रिय तुम भी जानकी के रूप में जनकपुर में जन्म लोगी। क्या बात है बेटा। और जब इतना सुना माता लक्ष्मी ने कि भगवान श्री राम अयोध्या में रहेंगे और मैं जानकी के रूप में जनकपुर में रहूंगी, तो माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु हम जनकपुर में रहेंगे, आप अवधपुर में रहेंगे, आखिर हमारा मिलन कब तक नहीं होगा। जब इतना पूछा तो आइए गीत को सुने। आइए मेरे गीत में केवल एक ही पति पत्नी की तीन जगह बात होगी। कहा माता लक्ष्मी ने धरती पे कब हम दोनों मिलेंगे। हे प्रभु मधुर मिलन तक।
आइए दूसरी बात देखिए क्या बात है। वही भगवान विष्णु राम के रूप में आए, वही माता लक्ष्मी जानकी के रूप में आई, धनुष टूटा, मधुर मिलन हो गया, मधुर मिलन हुआ, राम और जानकी अयोध्या आ गए। बहुत बढ़िया। और जब अयोध्या आए, राज अभिषेक की तैयारियां हो रही है, लेकिन प्रभु श्री राम का वनवास हो गया। और जब वनवास हुआ तो एक दिवस वनवास में कहने लगे प्रभु श्री राम जानकी से, कहा जानकी से प्रभु श्री राम ने, या रहना सकोगी साथ मधुर मिलन तक, भैया चाय आप पीजिए, लेकिन ये चाय हमारी आय में बाधा बन रही है, सोचो थोड़ा सा इसका ध्यान आप लोग देंगे। और क्या कहा प्रभु श्री राम ने जानकी से वनवास के समय में, कि जानकी कब तक अगन में रहना होगा।